हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। राजस्थान में जारी राजनीतिक सियासी संकट जारी है। प्रदेश की सियासत में एक समय एक एक पल अहम है। कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए बागी रुख अख्तियार किए हुए सचिन पायलट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद छीन लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सचिन पायलट बीजेपी के जाल में फंस गए हैं, तो वहीं अभी तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट आज यानी बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। राजस्थान के सियासी महाभारत में अब एक ही सवाल है कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे। क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर अपने हक की लड़ाई लड़े? इन तमाम सवालों से पर्दा आज उठ सकता है जब सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि सचिन पायलट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद सचिन पायलट ने ट्विटर के जरिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को उन्होंने दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसके करीब 5 घंटे बाद सचिन पायलट ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आज मेरे समर्थन में जो भी सामने आए हैं उन सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद और आभार, राम राम सा। दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत विधायकों को साधने में लगे हुए हैं। मंगलवार की सुबह से लेकर शाम तक सीएम अशोक गहलोत लगातार बैठक करते रहे। गहलोत ने सचिन पायलट के बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रचने का सीधा आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश के खेल को राजस्थान में ही दोहराना चाहती है और ये सब पिछले 6 महीने से चल रहा था। उन्होंने कहा, सचिन पायलट के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो तो केवल बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, जो रिसॉर्ट समेत बाकी सारे बंदोबस्त करने में जुटी है। वहीं कांग्रेस के दो गुटों में बंटने के बाद बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। बीजेपी ने आज जयपुर में बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज जयपुर पहुंच रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कह चुके हैं कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया और अब इसके जाने का समय है। बीजेपी इस समय किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी। फिलहाल सभी निगाहें सचिन पायलट पर टिक गई हैं। अब देखने वाली बात ये है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।